गुड मॉर्निंग, मैं रोशन कुमार और आज हम एक कहानी आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं। और ये कहानी है एक लड़का का जिसके दो पिताजी थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा सुनकर के। और एक लड़का था, उसका दो पिताजी थे, मतलब एक रिच डैड और एक पुअर डैड। जिनसे वो जन्म लिया वो थे उसके पुअर डैड, और जिनसे वो सीख करके जिंदगी में आगे बढ़ा वो थे उसके रिच डैड। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पुअर डैड से यानी गरीब पिताजी से वो लड़का पूछता है कि पापा पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पिताजी बहुत ही सिंपल जवाब दिए, बेटा 10 किताब खरीद और इसको मार्केट में जा और इसको बेच, तुमको पैसा आ जाएगा। और वैसा ही होता है, वो 10 किताब लड़का लेता है और मार्केट में जा करके बेचने का प्रयास करता है। और जैसे ही फर्स्ट आदमी के पास यानी पहला आदमी के पास जब जाता है और पहला आदमी को इस किताब को बेचने का प्रयास करता है, तो पहला ही आदमी उसको क्या बोलता है, बहुत महंगा है। जब इतना बोलता है तो वो लड़का थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि पहला आदमी ने उसको रिजेक्ट कर दिया महंगा बोल करके, पहला आदमी ने उसको नहीं खरीदा। दूसरा के पास जाता है, सोचा दूसरा लेगा। दूसरा के पास जब गया तो क्या देखा कि वो आदमी बोला ये महा फालतू चीज है। जब ऐसा बोला उसकी निराशा और बढ़ गई। उसको लगा कि पिताजी बोले थे कि बेचने से बिकता है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, जिसको भी बेचने का प्रयास कर रहे हैं वो ले नहीं रहा है। दो आदमी जब नहीं लिया तो उसकी निराशा बढ़ गई, लेकिन फिर सोचा कि फिर मैं प्रयास करता हूं। और तीसरे के पास गया, तीसरे को बेचने का प्रयास किया और तीसरा व्यक्ति ने बोला कहां से ये आलतू फालतू चीज लेकर के आ गए, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। और जब ये तीसरा आदमी ने उसको जब निराशा नहीं लिया, उसकी निराशा और बढ़ गई। उसके बाद चौथा भी ना बोला, पांचवा भी ना बोला, छठा भी ना बोला, सातवां भी ना बोला, आठवां भी ना बोला, नौ तक जाते जाते ना हुआ, आखिरी में दसवां के पास गया और वो दसवां आदमी ने भी उसको नहीं खरीदा। उसकी निराशा पूरा बढ़ गई और वो 10 किताब ले जाकर अपने पिताजी के पास फेंक दिया। बोला पिताजी आपका फॉर्मूला गलत है, आपके फॉर्मूला से मैंने चला लेकिन किसी ने किताब नहीं खरीदा। फिर उसने दौड़ा 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 अमीर पिताजी के पास जाता है और अमीर पिताजी को बताता है पापा आप बताइए पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है। तब अमीर पिताजी बोलते हैं कि 10 किताब खरीदो और उस 10 किताब को खरीद करके ले जाओ मार्केट में और इसके बारे में बताओ, बेचो मत, इसकी विशेषता को लोगों को बताओ, इसके बारे में बताओ। बोला बताने से पैसा आएगा? बोला यस, तुमको बताने से पैसा आएगा। और उसको जरा सा भी यकीन नहीं हुआ उस लड़के को कि ऐसा हो सकता है। पिताजी बोले कि बिल्कुल हो सकता है, तुम जाओ प्रयास करो। और वो इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो सोचा कि बस बताना ही तो है ना, 10 लोगों को बता देंगे तो पैसा आ जाएगा। जैसे ही पहला के पास गया, पहला आदमी को बताया, पूरा एक्सप्लेन किया। पहला आदमी बोला मुझे नहीं चाहिए। उस लड़के ने जवाब दिया मुझे बेचना भी नहीं है। तो बोला बताया क्यों? बोला मेरे पिताजी ने बोला था बताने के लिए, इसलिए तुझको मैंने बता दिया। फिर दूसरा के पास गया, दूसरा ने बोला बहुत महंगा है। बोला उससे क्या मतलब है आपको, मेरा काम था केवल आपको बताना, महंगा है सस्ता है यही ना कि नहीं लीजिएगा, हमको देना भी नहीं है, हमको केवल क्या करना है बताना है। सोचिए दोस्त, पहला आदमी ने ना बोला उसका निराशा खत्म नहीं हुआ बल्कि उसकी उत्सुकता बढ़ गई, उसका उत्साह बढ़ गया, उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया। क्यों? उसको विश्वास था कि बताने से कोई नहीं लेगा। और पहला आदमी जब उसको रिजेक्ट किया तो उसको और विश्वास बढ़ गया कि इस अमीर बाप का भी जो बात है ये भी गलत होने वाला है। और उसकी एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया कि दूसरा के पास गया, दूसरा ने भी उसकी बात को नहीं माना, वो और खुश हो गया। तीसरा के पास गया, तीसरा बोला ये तो महाफालतू चीज है, महाबकवास चीज है। तो बोला ठीक है आप यही ना कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं लीजिएगा, बस मुझे देना भी नहीं है। तो बोला बताया क्यों? बोला मुझे बताना था। तीन आदमी नहीं लिया, उसको विश्वास हो गया कि लगता है कि ये भी फॉर्मूला गलत होने वाला है। चौथा के पास गया, वो भी नहीं लिया, वो भी इसको रिजेक्ट कर दिया और खुश हो गया। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब वो बेचने गया था तो उस ना सुनने के बाद उसकी निराशा बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो बताने गया तब क्या हुआ, ना सुनने के बाद उसकी उत्साह लेवल बढ़ रही है, उसकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है, उसका जोश बढ़ रहा है। पांचवा ना बोला और खुश हो गया, छठा ना बोला और खुश हो गया, सातवां ना बोला और खुश हो गया, आठवां ना बोला और खुश हो गया। इस तरह से दसवां के पास जब गया तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि ये भी नहीं लेगा, चलो जल्दी से इसको बता करके भागते हैं। लेकिन ये तो इतना खुश था ना,
इतना खुश था कि 9 आदमी नहीं लिया था, आज अमीर बाप का भी फॉर्मूला गलत होने वाला है, वो पूरा एक्साइटमेंट हाई था उसका, पूरा जोश के साथ पूरा उत्साह के साथ 10वां आदमी को बताया। और जैसे ही बताया 10वां आदमी बोला, अरे भाई मुझे ये किताब चाहिए था, कहाँ था ये किताब? अब वो बोला कि अरे अभी तो मुझे देना नहीं था। वो बोला मुझे चाहिए, मुझे देना पड़ेगा। वो बोला मुझे देना नहीं है। बोला तू बताया क्यों? बोला मुझे केवल बताने का परमिशन मिला था, बेचने का परमिशन नहीं है। वो बोला मुझे चाहिए, देना पड़ेगा। और वो ले लिया, पैसा भी दिया और जाकर के 10 किताब अपने पिताजी के सामने दिखाया। बोला कि ये क्या मामला है? एक बोलता है बेच करके आओ तो कोई खरीदता नहीं है, और दूसरा बोला बेचना नहीं है खाली बताना है तो बिक जाता है, ऐसा क्या होता है? तब अमीर बाप उसको बहुत ही बड़ा मंत्र समझाए उसको कि अगर बेचने के बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो बेचने के ख्याल से अगर किसी को बताते हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा, तुमको जब भी बताना पड़ेगा तो बताने के ख्याल से जाना है, लोगों को बताना है ना कि बेचना है, बताइएगा प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। थैंक यू दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा।